स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लड कंपोजिशन का, और इससे पहले हमने बात की थी डिफरेंट व्हाट इज़ ब्लड, डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनके फंक्शंस और रेड ब्लड सेल्स के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी जानते हैं, और इनमें और आरबीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है? इनमें कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता जैसा कि आरबीसी में होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहीं से हमारा बनता है फर्स्ट पॉइंट कि white blood cells have nucleus and do not have any hemoglobin pigment. White blood cells have nucleus and do not have hemoglobin pigment like RBCs. नेक्स्ट, WBCs दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स और एग्रैन्यूलोसाइट्स, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। अगर किसी WBC में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलेंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स, और अगर किसी WBC में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं साइटोप्लाज्म में तो उसको हम बोलेंगे एग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, PMNL, जिसमें कि तीन आते हैं, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और एग्रैन्यूलोसाइट्स में दो आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो आइए लिखते हैं, WBC आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट हो गया ग्रैन्यूलोसाइट्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। सेकंड, एग्रैन्यूलोसाइट्स, इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं आपके फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, सेकंड आता है बेसोफिल्स, एंड थर्ड यूसिनोफिल्स। वेयर एज एग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं दो, एक आता है लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज मोनोसाइट्स। अब इसके बाद कुछ और बात करेंगे WBC के बारे में। तो आइए अब जानते हैं WBC का नॉर्मल काउंट। तो WBC का नॉर्मल काउंट होता है 4000 to 11000 क्यूबिक पर mm। क्या होता है WBC का नॉर्मल काउंट? ये होता है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm। ये हो गए नॉर्मल रेंज। अगर नॉर्मल रेंज से जो कि 4000 है उससे अगर WBC लेस है तो इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और ये अक्सर तब देखा जाता है जब पर्सन को कोई वायरल इन्फेक्शन हो या टाइफाइड फीवर हो। तो वी कैन राइट इफ WBC इज लेस देन 4000 पर क्यूबिक mm, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोपीनिया।
एंड इट इज सीन इन वायरल इन्फेक्शंस एंड इट इज सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड टाइफाइड. वेयर एज अगर WBC 11,000 पर क्यूबिक mm से ज़्यादा मात्रा में है ब्लड में, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस. तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ WBC इज मोर देन, इफ WBC इज मोर देन 11,000 पर क्यूबिक mm, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस and it is seen in acute bacterial infections. You can write, and it is seen in acute bacterial infections. So हमने देखा WBC का normal count 4,000 to 11,000 per cubic mm होता है. अगर WBC का काउंट लेस देन 4,000 है, कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोपीनिया एंड इट इज सीन इन वायरल फीवर्स एंड टाइफाइड्स. वेयर एज अगर WBC नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, जो कि 11,000 पर क्यूबिक mm है, द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस एंड इट इज सीन इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अब हम एक एक करके देखेंगे. पहले हम देखेंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स के बारे में. ग्रैन्यूलोसाइट्स इसमें देखा गया है कि इनमें जो भी WBC आते हैं इस कैटेगरी में, वो अकॉर्डिंग टू डाई उनका नेमिंग किया गया है. जिस डाई से वो बाइंड करते हैं उसी हिसाब से उनका नेम किया गया है. सो वी कैन राइट, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डाइज. दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डाइज दे बाइंड. अकॉर्डिंग टू द डाइज दे बाइंड. तो ये हो गए ग्रैन्यूलोसाइट्स. और इनकी स्टेनिंग की जाती है, पेरिफेरल ब्लड स्टेनिंग, PBS. They are stained through PBS, peripheral blood staining. इसमें हम दो डाई यूज़ करते हैं बेसिकली. एक होती है एसिडिक डाई, ये हो गई ईओसिन. और एक सेकेंड डाई हम यूज़ करते हैं, बेसिक डाई, ये हो गई मिथाइलिन ब्लू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनमें न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं. तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड. तो अब हम देखेंगे एक एक करके डिफरेंट ग्रैन्यूलोसाइट्स के बारे में. अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में. जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लोब्ड है. कैसा न्यूक्लियस है? मल्टी लोब्ड है. और इसमें ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रैन्यूलोसाइट. और मल्टी लोब्ड हैं तो इसीलिए ग्रैन्यूलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड. न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड. और ये कितने लोब हो सकते हैं? ये 2 to 7 lobes. 2 to 7 lobes ये हो सकते हैं. सेकंड, ये मोस्ट कॉमन WBC होते हैं. सबसे कॉमन WBC बॉडी में ये पाए जाते हैं. सो वी कैन राइट, दे आर मोस्ट कॉमन WBC. अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70%.
एंड दे आर न्यूट्रल टू बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। थर्ड पॉइंट हुआ न्यूट्रल टू बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज, बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। और इसी वजह से इनका नाम न्यूट्रोफिल पड़ा, क्योंकि ये एसिड और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो जाते हैं, कोई इनमें कंपलसरी बात नहीं है। दैट इज़ व्हाई दे आर टर्न्ड एज न्यूट्रोफिल्स। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? इनका लाइफ स्पैन होता है 6 to 9 hours का। लाइफ स्पैन इज अबाउट 6 to 9 hours। और इनमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है रेडिश वायलेट। सो वी कैन राइट कलर ऑफ ग्रैन्यूल्स इज रेडिश वायलेट। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस एक किस प्रकार की इम्यूनिटी है? ये एक इननेट इम्यून रिस्पॉन्स है। तो हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स को, क्या क्या देखा हमने? 2 to 7 मल्टीलोब न्यूक्लियस है, मोस्ट कॉमन WBC 60 to 70%, एसिड और बेसिक बोथ डाइज के लिए न्यूट्रल है, लाइफ स्पैन इनका 6 to 9 hours है, इनके ग्रेन्यूल्स के कलर्स रेडिश वायलेट हैं, और ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। अब हम डील करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स का, जो कि है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स में जैसा हम देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है बाईलोब्ड, एक वन लोब और ये सेकंड लोब। इसमें न्यूक्लियस होता है बाईलोब्ड, और इनमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रेडिश पिंक कलर के पाए जाते हैं। और इनकी स्टेनिंग, ये स्टेन्ड होते हैं एसिडिक डाई से, जो कि इओसिन कहलाती है। तो वी कैन राइट इसिनोफिल्स हैव बाईलोब्ड न्यूक्लियस। इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, पहला न्यूक्लियस इनका बाईलोब्ड होता है, सेकंड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर स्टेन्ड रेडिश पिंक एज वेल एज ये स्टेन्ड होते हैं एक एसिडिक डाई से, जिसको बोलते हैं इओसिन, स्टेन्ड बाई एसिडिक डाई, दैट इज इओसिन। और इनका काउंट हमारे ब्लड में तब इंक्रीज हो जाता है जब हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी इसिनोफिल्स की क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। सो वी कैन राइट इट इज फाउंड इन एलर्जिक कंडीशंस। और दूसरा, जब वर्म इन्फेस्टेशन होता है हमारे शरीर में, तब इनकी क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाती है। वर्म इन्फेस्टेशन मतलब कि पेट में कीड़े वगैरह। सो फाउंड इन एलर्जिक कंडीशंस एंड वर्म इन्फेस्टेशंस। तो इसी के साथ मैं रैपिड रिवीजन करते हैं। इसिनोफिल्स में बाईलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रेडिश पिंक कलर के होते हैं, इनकी स्टेनिंग एक एसिडिक डाई से होती है जो कि इओसिन कहलाती है, और इट इज़ फाउंड इन एलर्जिक कंडीशंस। किसी एलर्जी, जब बॉडी में कोई एलर्जी होगी या फिर बॉडी में किसी वर्म इन्फेस्टेशन होगा बॉडी में, तब इसिनोफिल्स की पॉपुलेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स,
बैसोफिल्स के बारे में देख रहे हैं हम। बैसोफिल्स, बैसोफिल्स में न्यूक्लियस या तो बाइलोब हो सकते हैं या तो ट्राइलोब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैसोफिल्स की स्टेनिंग कैसे होती है। बैसोफिल्स की स्टेनिंग होती है बेसिक डाई से, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है बैसोफिल्स। बेसिक डाई कौन सी? मिथाइलिन ब्लू। तुम्हारा पहला पॉइंट आता है इट इज स्टेन्ड बाई, बैसोफिल्स में इट इज स्टेन्ड बाई बेसिक डाई, इट इज स्टेन्ड बाई बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। और क्योंकि ये डाई ब्लू कलर की होती है इसलिए बैसोफिल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के दिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स अपीयर, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स अपीयर ब्लू इन कलर, अपीयर ब्लू इन कलर। नेक्स्ट, बैसोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं ये बाइलोड भी हो सकते हैं और ट्राइलोब्ड भी हो सकते हैं। सो वी कैन राइट न्यूक्लियस कैन बी बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड। इसकी काउंट ब्लड में तब इंक्रीज हो जाती है जब बॉडी में कोई एलर्जन एंटर कर जाता है या कोई ऐसा पार्टिकल एंटर कर जाए जिससे कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। सो वी कैन राइट काउंट इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशंस, काउंट इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशंस। और ये क्या क्या रिलीज करती हैं? ये रिलीज करती हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन्स। सो वी कैन राइट बैसोफिल्स रिलीजेस हिस्टामिन्स एंड हेपेरिन। दोनों के बारे में बात करते हैं। हिस्टामिन्स एक केमिकल है, बैसोफिल्स इनको तब रिलीज करता है बॉडी में जब बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एलर्जिक पार्टिकल एंटर हो जाता है, और एट द साइट ऑफ एलर्जिक पार्टिकल वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। ये एक इम्यून सेल के द्वारा निकला हुआ केमिकल है, इसीलिए ये इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में परफॉर्म कराता है। वेयर एज हेपेरिन एक एंटी कोगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। और हिस्टामिन्स अगर टिश्यू में सिक्रीट हो रहा है तो इसको मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, और अगर ब्लड में हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है ब्लड सेल्स से तो ये बैसोफिल्स सिक्रीट करते हैं। सो वी कैन राइट हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाई मास्ट सेल्स इन टिश्यूज। हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाई मास्ट सेल्स इन टिश्यूज एंड बाई बैसोफिल्स इन ब्लड। तो हम लोगों ने देखा कि बैसोफिल एक ऐसा ग्रेनुलोसाइट है जो कि एक बेसिक डाई से स्टेन होता है मिथाइलिन ब्लू। न्यूक्लियस इसका बाइलोब्ड हो सकता है, ट्राइलोब्ड भी हो सकता है। इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर से स्टेन होते हैं, और ये तब ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है जब बॉडी में कोई एलर्जिक कंडीशन अराइज होती है। ये हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन्स हमारी बॉडी में जब टिश्यू में हिस्टामिन रिलीज होता है तो वो मास्ट सेल रिलीज करते हैं, वेयर एज जब ब्लड में रिलीज होता है तो वो बैसोफिल्स रिलीज करते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स देखने के बाद में अब हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस एकदम राउंड होता है और साइटोप्लाज्म एकदम रिम पे
एकदम बॉर्डर पे होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस एंड राउंड इन शेप। लार्ज न्यूक्लियस होता है एंड राउंड इन शेप। सेकेंड साइटोप्लाज्म एट द रिम, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म रिम पे होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म रिम पे होगा। और इस देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स। एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं लिम्फोसाइट, और सेकंड होता है मोनोसाइट्स। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो जैसा कि हम लिम्फोसाइट्स में देख रहे हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नंबर वन लार्ज न्यूक्लियस, जैसा फिगर में दिख रहा है, और सेल के रिम में चारों तरफ में साइटोप्लाज्म है। तो लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म एट द रिम, साइटोप्लाज्म एट द रिम। इसके अलावा इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं नो ग्रेन्यूल्स, नो नो ग्रेन्यूल्स। और ये 20-25% ऑफ WBC होते हैं, 20-25% WBC लिम्फोसाइट्स होते हैं, 20-25% ऑफ WBC आर लिम्फोसाइट्स, ठीक। दो तरह के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड टी लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, इनका मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में, बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में। सो वी कैन राइट बी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। सो वी कैन राइट टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन, टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड, टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है बी लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज किस टाइप की इम्यूनिटी है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। सो हम लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेयर एज जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में साइटोटॉक्स पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स में दे रिलीज सेलुलर टॉक्सिन्स, दे रिलीज सेलुलर टॉक्सिन्स, दे रिलीज सेलुलर टॉक्सिन्स। और ये कैसी इम्यूनिटी होते हैं, ये होते हैं सेलुलर मीडिएटेड, सो दे आर सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अडैप्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। तो हमने देखा लिम्फोसाइट्स में इनके न्यूक्लियस लार्ज साइज के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, साइटोप्लाज्म रिम पे होता है,
कोई भी इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। 20-25% ऑफ WBC होते हैं ये। दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं बॉडी में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड मैच्योर्ड इन बोन मैरो, वेयर एज टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड एंड दे रिलीज सेलुलर टॉक्सिन्स। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको मैक्रोफेज भी कहते हैं। तो पहले हम लिखते हैं दे आर लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेज। इसमें एक कंडीशन है, इनको मैक्रोफेज हम कब कहते हैं इसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम देखते हैं इनका न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है ना। सो वी कैन राइट किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का? किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस। किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस एंड नो ग्रैन्यूल्स। इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसीलिए ये एक ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं, है ना। अब बात करेंगे मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स में अंतर क्या होता है ना। जब तक मोनोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं तब तक हम उनको मोनोसाइट ही कहते हैं। जब ये मोनोसाइट पहुंच जाते हैं टिश्यू तक तब ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोफाज में। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका फैगोसाइटोसिस करना, है ना। और ये देखा गया है कि जब मोनोसाइट्स पहुंचते हैं टिश्यू तक और उनका डिफरेंशिएशन होता है मैक्रोफेज में तो वो बहुत ज़्यादा पोटेंट फैगोसाइटर्स हो जाते हैं कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। नेचुरली न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटर्स और उनमें पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने की। लेकिन जब मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं मैक्रोफेज में तो दे आर द मोस्ट पोटेंट फैगोसाइटर्स ऑफ अवर बॉडी। इसी के साथ में इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।